Assalamualaikum students, इंशाल्लाह इस लेक्चर में 7.5 की जो एग्जाम्पल है 7.5 से जो पहले उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, कोई ऐसा तो मुश्किल नहीं है इसके अंदर, मेरे ख्याल में शायद एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने वाली है, बाकी तो बहुत इजी एग्जाम्पल है सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल 1 तो खैर कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है एन इंटीजर इज चूजन एट ऑल एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 254। तो डायरेक्ट आप सैंपल स्पेस यहां पे लिख सकते हो। सैंपल स्पेस यहां पे क्या होगा कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट 200 मतलब 1, 2, 3 up to 200, ये सैंपल स्पेस गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन इंटीजर, अच्छा एक इंटीजर आपने चूज करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। वो कह रहे हैं कि बताओ ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप एक इंटीजर चूज करोगे आउट ऑफ 200 इंटीजर तो वो इंटीजर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा या वो 8 से डिविजिबल होगा। तो और आगे इसका मतलब लॉ ऑफ एडिशन यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी आप करोगे। यहां पे सबसे पहले इन दोनों इवेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंसीडर कर लो, लेट जो इवेंट ए है उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो नंबर जो 6 से डिवाइड होते हो, तो कौन से नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, 6 का टेबल पढ़ लो, 6, 12, 18 ये वो सब नंबर है जो 6 से डिवाइड होते हैं, और 200 से पहले कौन सा नंबर होगा, 198। तो ये वो सारे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 6 होते हैं, डिविजिबल बाय 6। तो अगर मैं बोलूं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कवर हो रहे हैं, तो भाई 6 10 जा 60, 20 जा 120, 30 जा 180 और 186, 192, 198 तीन और लगा लो। तो 33 ऐसे नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर में। अगर ये आप काउंट करने में मसला होता है तो आप इस पे वो अरिथमेटिक का भी लगा सकते हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, तो उसमें टीएम की वैल्यू पुट कर दो, ए पुट कर दो, डी पुट कर दो, एन आ जाएगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, उस तरह भी कर सकते हो, वरना ये सिंपल सा है। फिर आप बी इवेंट को लेट करो कि डिविजिबल बाय 8 हो, तो 8 का टेबल पढ़ लो, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, अब तू कहां तक जाना है, 198 8 के टेबल में आता है क्या, 38 नहीं, 196 आता होगा, फिर 80 80 160 160 में 190 तो आता है नहीं, एक सेकेंड 200 आता है, तो हाँ 200 तक जाएगा, 208 के टेबल में आता है। तो अब इसके लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो 8 10 जा 80, 8 20 जा 160 और 160 के बाद 40 और है ना, तो 5, तो इसका मतलब यहां पे 25 है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यहां पे 25 होंगे, और ये कौन सा इवेंट है जिसमें नंबर इंटीजर जो है वो डिविजिबल बाय 8 है। अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, लेकिन क्या ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली इंक्लूसिव है, तो भाई यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस नहीं है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी है। ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जिसमें ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो रहे होंगे, और वो कौन सी है, वो इनके इंटरसेक्शन की होती है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे कौन से केस है, एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो अगर आप ऑब्जर्व करो 24 ये 8 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, 48 अब 24 का टेबल पढ़ते जाओ, 48 के बाद क्या होगा, 72 अप टू कहां तक जाना है आपने, 72 के बाद फिर 24 ऐड करोगे ये हो जाएगा 96, फिर इस तरीके से 96 दोबारा ऐड करो ये हो जाएगा 192। तो 192 तक आपने जाना है, तो ये कितने हो जाएंगे, 96 तक 4 होंगे, 192 8 हो जाएंगे। तो टोटल इस रेंज के अंदर 8 ऐसे एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं जो कॉमन है। अभी कॉमन निकालने की वजह ये है, उसकी वजह है कि फॉर एग्जांपल जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कि या तो ए इवेंट हो जाए या बी इवेंट हो जाए, तो किसके बराबर होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो यहां पे भी काउंट हो रहे हैं, यहां पे भी प्रोबेबिलिटी निकालते हुए यूज हो रहे हैं, और ये नंबर यहां पे भी यूज हो रहे हैं, यहां पे भी आ गए हैं, दोनों जगह यूज हो रहे हैं, तो आपने दो दफा इस चीज को काउंट कर लिया, तो मसला होगा। तो दो दफा काउंट किए कंपनसेट करने के लिए एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दो आप, वो किया हुआ है यहां पे। तो जरा प्रोबेबिलिटी निकालो, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 33 केसेस हैं, नहीं इवेंट को जो फेवर कर रहे हैं, और टोटल जैसे यहां पे लिख देना नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस 200 है, तो डिवाइड बाय 200। इसी तरीके से बी को कितने केस फेवर कर रहे हैं, 25 डिवाइड बाय 200, और इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, 8 डिवाइड बाय 200। तो बस इसको सॉल्व करना है, 33 में जब आप 25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 58, 58 में से 8 माइनस करोगे 50, 50 अपॉन 200 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है
वो 1/4 है, मतलब 25% चांस है कि आपके पास वो नंबर्स आए जो या तो डिविजिबल बाय 6 हो या वो नंबर डिविजिबल बाय 8 हो। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरी एग्जांपल को ट्राई करते हैं। वो एग्जांपल थोड़ी शायद मुश्किल लगे आप लोगों को, वरना बाकी तो बहुत इजी इजी सारी एग्जांपल है जो आपने ऑलरेडी कोर्स में कर चुके हो। तो ये भी 254 के एंड पे लिखी हुई है। लिखा हुआ अ ड्रायर कंटेन्स 50 बोल्ट्स एंड 150 नट्स। कि बोल्ट नट्स क्या होता है, बोल्ट आप एक कह लो कील, एक स्पेशल कील टाइप का होता है, वो मोटा होता है वो, और नेट पे सर्च करना मिल जाएगा। और नेट लाइक बोल्ट के ऊपर ना ऊपर थ्रेड्स लगे हुए होते हैं पूरा, मतलब राउंड 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 सा लगा होता है। और नेट वो होता है जिसके अंदर आप बोल्ट को डाल रहे होते हो, और उस नेट के इन साइड पे वो थ्रेड लगे हुए होते हैं, तो आप वो स्क्रू करते हो तो वो हो जाता है पूरा। बाकी नेट पर सर्च करना मिल जाएगा आपको क्या होता है ये। बारह तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने यहां पे, नंबर ऑफ बोल्ट है बच्चों यहां पे 50। अच्छा जी, नंबर ऑफ नट कितने हैं यहां पे, 150। हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। सवाल ये है कि कितने बोल्ट्स रस्टेड हैं। उन्होंने बोला हाफ बोल्ट्स रस्टेड हैं, हाफ नट रस्टेड है। रस्टेड का मतलब जंग लगा रहा है उनके ऊपर। तो आप चाहो तो ये मेंशन कर दो कि नंबर ऑफ बोल्ट्स रस्टेड कितने, या अभी भी लिख सकते नंबर ऑफ रस्टेड बोल्ट्स, नंबर ऑफ रस्टेड बोल्ट्स। हाफ बोल्ट जो है वो रस्टेड है, तो 50 है तो हाफ मतलब 25 बोल्ट रस्टेड होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ रस्टेड नट्स, कितने नट्स रस्टेड है, हाफ 150 का हाफ 75, तो 75 नट्स रस्टेड है, 25 बोल्ट रस्टेड है। इफ वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, एक आइटम आप चूज कर रहे हो, लिखना चाहो तो लिख दो, वन आइटम इज चूजन एट रैंडम। एक इन टोटल 200 आइटम है, आप मेंशन करना चाहो लिख दो टोटल आइटम्स, टोटल आइटम्स कितने हैं यहां पे, 200 आइटम है। तो आपने एक आपने रैंडमली चूज कर लिया। अब टोटल आउटकम क्या होंगे भाई, 200 में से एक चूज करने के कितने तरीके होंगे, 200C1 मतलब 200 के बराबर होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रस्टेड और इज अ बोल्ट। कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि या तो जो हमने एक आइटम कंसिडर किया है, चाहे वो बोल्ट हो चाहे वो नट हो, तो आप बताओ कि या तो वो रस्टेड हो, जो भी आइटम हमने चूज किया है या तो वो रस्टेड हो या वो बोल्ट हो। दो इवेंट है, पहला इवेंट कि रस्टेड आपके पास आए, बोल्ट रस्टेड हो या नट रस्टेड हो, बस रस्टेड होना चाहिए, और दूसरा इवेंट कि आपके पास बोल्ट है। ठीक है, तो डिफाइन कर लो आप इसको, लेट ए जो है कि आपके पास रस्टेड आइटम्स आए हुए। अब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं भाई, इस इवेंट को केस फेवर कर रहे हैं 25 प्लस 75 100। देखो पहला इवेंट क्या बताया था हमने कि आपके पास रस्टेड आइटम आए, तो टोटल रस्टेड आइटम है कितने, 25 बोल्ट रस्टेड है, 75 नट रस्टेड है, टोटल 100 आइटम जो है वो रस्टेड है। तो इवेंट ए में कितने फेवरेबल केसेस हैं, 100 केसेस हैं। फिर दूसरा इवेंट क्या था, बी इवेंट था कि बोल्ट आए, तो इस केस को कितने मतलब बोल्ट आने के कितने तरीके, टोटल 50 बोल्ट है, तो इस इवेंट के अंदर कितने केसेस हैं, 50 है। अब सवाल यह है कि क्या इनमें कुछ कॉमन भी होगा या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये बात आप अच्छे तरीके से बता सकते हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो रस्टेड बोल्ट है, जब आप इनको उठाओगे तो दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म होंगे। क्यों, क्योंकि रस्टेड भी पहला इवेंट परफॉर्म हो गया क्योंकि आपने रस्टेड उठाया है, और दूसरा इवेंट परफॉर्म हो गया क्योंकि आपने बोल्ट उठाया है। तो 25 ऐसे केस हैं जिसमें जब ये आप उठाओगे तो दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो रहे होंगे। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहो, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 25। और अगर आप डिफाइन करना चाहो तो बताओ कि रस्टेड एंड बोल्ट्स, या सिंपल लिख दो रस्टेड बोल्ट्स, ये वो है जिसमें सारे आपके पास रस्टेड बोल्ट है, तो इसमें दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो रहे होंगे। तो जब आप डेटा सारा बना लो, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालो, और का केस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इवेंट होने के कितने चांसेस हैं, ए के अंदर टोटल 100 आइटम्स हैं, तो 100/200 प्लस बी के अंदर 50 हैं, तो 50/200। कॉमन कितने हैं, 25, तो 25/200। जब सॉल्व करोगे आप इसको हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 125/200,
जब आप इसको कैंसिल करोगे 5 से फिर हो जाएगा 25/40, मजीद 5 से आप कैंसिल कर सकते हो, मतलब 25 से कैंसिल कर दो आप इसको, तो ये हो जाएगा 5/10, नहीं 25 से 5/8, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/8, ठीक है। हाँ, तो हमारा आंसर मैच कर रहा है। इन्होंने सॉल्व कर लिए थे 1/4, 1/2 करके, इन्होंने बी किसको बोला था, बी था इनका रस्टेड, अच्छा इन्होंने बी रस्टेड को बोला था, ए बोल्ट बोला था, सही है, आंसर सेम ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है, आप लोग खुद करो यार, लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासेस मैथमेटिक्स, मैथ पास करने की प्रोबेबिलिटी 11/20, फिजिक्स पास करने की प्रोबेबिलिटी 13/20, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन कोर्स, ये यूनियन की पॉसिबिलिटी लिखी हुई है कि ए यूनियन बी क्या है यहाँ पे, मतलब आप एम यूनियन पी कर लेना, यहाँ पे 17/20 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन बोथ कोर्सेज, ये इंटरसेक्शन का केस है, मतलब M इंटरसेक्शन P, तो आपको M की प्रोबेबिलिटी पता है, P की प्रोबेबिलिटी पता है, M यूनियन P की प्रोबेबिलिटी पता है, आपको M इंटरसेक्शन P निकालना है, तो जो केस डिस्कस किया इसी में आप इंटरसेक्शन वाला निकाल लोगे, इवन बुक वालों ने एग्जांपल भी कंसीडर किए हुए, तो उन्होंने बताया कि 7/20 जो है वो यहां पे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 पे लिखा था, चांस ऑफ विनिंग ऑफ टू हॉर्सेस आर 1/3 and 1/6, कि एक रेस हो रही है जिसमें एक हॉर्स जो है उसके जीतने के चांसेस 1/3 है, दूसरे के जीतने के 1/6 है, होगा भाई वो तेज होगा शायद इस वजह से तो चांसेस ज्यादा हो, एक के 33% चांसेस है, दूसरे के ऑलमोस्ट 20% 20 से भी कम है, 18% से चांसेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल विन, अगेन ये जो एटलीस्ट वाला केस होता है ना, एटलीस्ट ये जीत जाए, मतलब कम से कम या तो ए जीत जाए या बी जीत जाए या दोनों जीत जाए, तो यूनियन का केस होता है, तो नीचे इन्होंने फॉर्मुला भी वही लगाया है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा, सेंस बनाती है ना बात, कि अगर पहला घोड़ा जीत, ऐसा पॉसिबल है कि दोनों घोड़े जीत जाए, नहीं, या तो पहला घोड़ा जीतेगा या दूसरा जीतेगा, मतलब एक इस टाइप की एग्जाम्पल आपने अगर आपको याद हो तो वो एग्जाम्पल भी थी जो 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें एक से ज्यादा विनर थे, तो वहां पे तो आप बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन वाला केस है, लेकिन जब विनर एक हो तो तब इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ये भी जीत जाए वो भी जीत जाए, नहीं, जीतेगा एक ही बंदा, या तो पहला घोड़ा जीतेगा या दूसरा घोड़ा जीतेगा, ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते कि दोनों जीत जाए, टाई वाला केस हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो टाई होगा फिर भी जीता नहीं जाता, वो टाई होता है वो, ठीक है, जीतने का ही है, या तो पहला घोड़ा जीतेगा या दूसरा जीतेगा, ऐसा कोई केस नहीं है कि दोनों एक साथ जीते हैं, ठीक है, तो दोनों एक साथ जीतने की कोई यहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, जीरो प्रोबेबिलिटी होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, तो दैट से आपने जस्ट दोनों को ऐड करना है, आंसर आपके पास आ रहा है 1/2, या तो पहला जीते या दूसरा जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा बच्चों, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, एक पॉइंट मेरे जहन में आया कि मैंने कहा आप लोगों को पूछ सकते हो, तो मैं पहले से उस चीज को एड्रेस कर दूं, कि जो एग्जाम्पल अभी आपने डिस्कस की है इसमें जो एक हॉर्स है उसके जीतने के चांसेस 1/3 थे, और जो दूसरा हॉर्स है उसके जीतने के चांसेस 1/6 थे, परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करो ना तो ऑलमोस्ट 33.33% चांस है इसके 16.66%, अगर आप ऐड करो तो ऑलमोस्ट 50% चांसेस बन जाएंगे इनके, या तो ये जीत जाए वो जीत जाए, मतलब जो आंसर हमारा 1/2 आ रहा था, तो अब स्टूडेंट के जहन में आ सकता है कि सर मतलब अगर आप कोई भी एक रेस करवाएं दो लोगों के दरमियान तो कोई एक जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% होती है भाई, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा, मतलब रेस के अंदर कोई एक तो जीतेगा, तो अगर आपको बोला जाए कोई एक भी जीते इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 100% होगी, या तो ए जीत जाए या बी जीत जाए, आप लिखोगे 100% प्रोबेबिलिटी, ऐड कर रहे होते हो आप, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50% क्यों आ रही है, तो उसकी वजह बच्चों यहाँ पे ये कि नॉर्मली जब भी कोई रेस होती है ना, तो आपको पता है फॉर एग्जांपल रेस को छोड़ो, जब दो टीमों के दरमियान मैच हो रहे होते हैं तो आप कहते हो भाई एक टीम जो है 30% चांस है, तो दूसरी टीम के चांस क्या होते हैं 70%, अगर एक के 40% है दूसरी टीम में क्या होंगे 60%, तो जो दो ओपोनेंट डिस्कस किए जा रहे होते हैं ना उनके चांसेस को जब आप ऐड करते हो तो 100% आते हैं, नॉर्मली इसी तरह बात की जाती है कि यार 100% में से बात की जाती है कि 40 इसके हैं 60 इसके, इस वाले केस में अगर आप इनके चांसेस देखो तो इनके चांसेस ऐड होके 100 बन ही नहीं रहे, इनके ऐड होके तो 50 बन रहे, तो ये वाला जो केस है ना आप इसको इस तरीके से नहीं समझ सकते, इसलिए क्योंकि इनमें
चांसेस जो होते थे, अगर एक 40 है दूसरा 60 होता था, अगर एक 50 है दूसरा भी 50 होगा, यहाँ पे चांसेस जो है ना वो ऐड होकर 100 नहीं बन रहे। दैट्स व्हाई आप वो वाली टेक्निक नहीं देख रहे जो आपको बाकी जगह नजर आएगी। अब अल्लाह बेहतर जानता है घोड़ू ने सही खाया हुआ नहीं है या घोड़ू ने कुछ पिया हुआ है, क्या मसला है कि मतलब 50% चांस है कि कोई एक जीतेगा, मतलब बाकी 50% चांस है कोई भी नहीं जीतेगा। तो कहने का मतलब टुन हुए में क्या हुआ है कि रेस में दरमियान में गिर जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होगा, मतलब 50% चांस है कोई भी नहीं जीतेगा उनमें से। तो एक बहुत ही अजीब एग्जांपल दिए बुक वालों ने, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि बाकी घोड़े भी रेस में हिस्सा ले रहे हो, उनका जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती हैं, लेकिन जो आप ये वाला कॉन्सेप्ट है ना ये यहाँ पे नहीं आप लगा सकते, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया आपको, ये वाली रीजन आपको नजर आ रही है। ओके,